एक गांव में सीमा नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बदसूरत और गरीब थी, जिसके कारण वो गांव के बाहर ही रहा करती थी। गांव वाले उसे गांव के अंदर नहीं आने देते थे। एक दिन वो पानी लेने हैंडपंप पर आती है। गांव वाले भी हैंडपंप के पास ही खड़े होते हैं। जैसे ही सीमा हैंडपंप पर पानी भरने लगती है, अरे सीमा, चल भाग यहां से। मना किया है ना पानी भरने से। पता नहीं इस हैंड पंप पर केवल गांव वाले ही पानी भर सकते हैं। तीनू भैया, मुझे बहुत प्यास लगी है। कई दिनों से मैं पानी नहीं पी पाई हूँ, कृपया पानी भरने दो मुझे। लेकिन गांव वाले और दीनू सीमा को वहां से पानी नहीं लेने देते और भगा देते हैं। सीमा रोते हुए घर पहुंचती है। हे भगवान, कैसा शैतानों का गांव है ये। एक औरत मरती है तो मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी भी नहीं पीने देते। हे भगवान, कितना गला सूख रहा है मेरा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उस रात पानी ना मिलने की वजह से सीमा की मौत हो जाती है। अगले कई दिनों तक सीमा को बाहर ना देखकर गांव में रेनू और पूजा नाम की औरतें बात कर रही होती हैं। अरे बहनों, बहुत दिनों से उस सिमवा नहीं दिखत है, गांव छोड़ के चली गई है का? अब हम का जाने बहन, हमहू के काफी दिनों से दिखत नहीं है। एक तो हम सब की मरद ना जाने उसे काहे इतना चिढ़त है। वो लोग ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी दीनू और राजा नाम के गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। दीनू भैया, हम कहते हैं कि उस सीमा नहीं दिखत है कई दिन से, जरा देखा था सही का हुआ उसको। रेनू के इस तरह कहने से दीनू और राजा सीमा के घर पहुंचते हैं। सीमा के घर से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। अरे दीनू भैया, देखो ना कितनी गंदी बदबू आ रही है, मैं तो अंदर नहीं जाने वाला। फिर दीनू अकेला ही घर के अंदर चला जाता है और उसे वहां पर सीमा की लाश मिलती है, जो कई दिनों से सड़ रही होती है। अरे राजा, यहाँ आवा हो, देखा इसमुवा तो गई, मर गई हो, इसी की लाश की बदबू आवत रही हो। बहुत बदबू है भाई। उसके बाद दीनू और राजा गांव के बाकी लोगों को वहां बुला लेते हैं और सीमा की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तभी वहां पर एक पागल साधु आता है, शरीर पर मिट्टी लगी होती है। जलाओ। जलाओ, 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 अपनी मौत को बुलाओ। तुम सब की भी लाश चलेगी ऐसे ही। अरे नास मिटे, क्या बोला था, मौत किसकी, किसकी मौत? तुम भी ना राजा भैया, ये पगले की बात मानत हो। डरो नहीं, ये पागल है और ऐसे ही बोलता रहता है। उसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं और दीनू कुछ दिन के लिए गांव से बाहर जाता है। उसी रात गांव वालों को हैंडपंप के जोर जोर से चलने की आवाजें आती हैं। हैंडपंप अपने आप ही चलने लगता है। गांव वाले डर के मारे घर से नहीं निकलते। अगली सुबह रेनू और पूजा मिलती हैं। अरे पूजा बहन, रात में आवाज सुने रही, ये हैंडपंप हुआ अपने आप चलत रहा, हम और हमरा मरद दोनों डर गए रहे। हाँ रेनू बहन, सही कहा तो, हम वो बहुत डर गई रहे, और जो हमरा मरद है वो तो छिपकली देख के भी घबरा जाता है, इसीलिए हम तक घर से बाहर ना निकलनी। उसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उसी रात हैंडपंप के फिर से चलने की आवाजें आने लगती हैं और जोर जोर से पानी निकलने लगता है, लेकिन गांव वाले डर के मारे बाहर नहीं निकलते। अगले दिन दीनू वापस गाँव आता है। अरे का हुआ गाँव वालों, काहे चुप बैठे हो, हम दो चार दिन से गांव में नहीं रहे तो नाराज हो गए। इतना नाराज तो हमरी साली भी हमसे नहीं हुआ था। फिर गांव वाले दीनू को रात में हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। क्या तुम लोग भी, अरे ये सब कौनो मजाक कर रहा होगा, आजकल लोग
नई नई तरीका की शैतानी करत हैं, हैं? अब हम आ गए हैं, हैं? गांव में देखते हैं कौन सा भूत प्रेत है, हैं? फिर रात में वही हैंडपंप चलने की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन इस बार दीनू हैंडपंप के पास चला जाता है। वहाँ एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। उसे देखकर दीनू बहुत डर जाता है। कौन 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 हो तुम और यहाँ काहे से आई हो? बहुत कमजोर है तेरी याददाश्त, बहुत जल्दी भूल गया मुझे। आज मेरी प्यास बुझेगी। दीनू डर के मारे उसके पैर पकड़ लेता है। हमका माफ कर दे सीमा बहन, हमका माफ कर दे, हमसे बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे सीमा बहन, हमका माफ कर दे। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और दीनू की गर्दन उखाड़ कर उसका खून पीने लग जाती है। मजा आ गया। आज प्यास बुझी है मेरी, पूरे गांव का खून पी जाऊंगी। अगली सुबह रेनू और पूजा पानी भरने के लिए हैंडपंप पर आती हैं। हैंडपंप के चारों तरफ खून फैला होता है। अरे पूजा बहन, एका है यहाँ तो चारों तरफ खून फैला है। तभी वहाँ पर दीनू का दोस्त राजा आता है। हमका लागत है कि दीनू का खून है। हम कल ही इसको समझावत रहे कि ज्यादा होशियार ना बनो, लेकिन हमारी बात नहीं सुने। देखो ना भौजी, निपट गया दीनू, निपट गया। सही कहा तो राजा भैया, लेकिन का कर सकते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों में दीनू की सरकटी लाश मिलती है। उधर दीनू के मरने की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव वाले फैसला करते हैं कि कोई भी उस हैंडपंप पर नहीं जाएगा। उधर आधी रात होते ही हैंडपंप खुद ब खुद चलने लगता है। आज फिर कोई मुर्गा आ जाए तो मजा आ जाएगा। मेरी तो पार्टी ही हो जाएगी। लेकिन कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता। लगता है ये गांव वाले ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उधर गांव वाले दूसरे हैंडपंप से पानी लेने लगते हैं। ना जाने कौन सी बला पीछे लग गई, इसके कारण तो जिंदगी नरक हुए जा रही है। सही कह तो भौजी, देखो ना इतना दूर से पानी लाए के पड़ रहा है। उसी रात राजा को प्यास लगती है और वो पानी लेने दूसरे वाले हैंडपंप पर जाता है। इसे पानी भर लाई, नहीं तो क्या पता उस ससुरी चुड़ैल यहाँ भी आ जाए। राजा पानी भरी रहा होता है कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। क्या राजा भैया, का सोचे थे कि बच जाओगे? तुम चाहे जितने हैंडपंप गड़वा लो, जब तक मैं अपनी प्यास ना बुझा लूं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। ऐसा कहकर चुड़ैल राजा की गर्दन उखाड़ कर उसका खून पीने लग जाती है। अगली सुबह गांव वालों को राजा की मौत का पता चलता है। गांव वाले डर जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर उससे निपटने की योजना बनाते हैं। देखो भाई, हमका तो लागत है ई कौनो चुड़ैल या शैतान का काम है, जो रोज रात को यहाँ आवत है। सही कहा तो सरपंच जी, ई कौनो बाहरी शक्ति है जो कहीं से आ गई है और गांव वालों के पीछे पड़ गई है। तभी वहाँ वही पागल साधु आ जाता है। क्या बोला तुमने, बाहरी शक्ति? मूर्खो, ये तुम्हारे पुराने कर्म है जो तुम्हारे आगे आ रहे हैं। एक औरत को प्यासा मारा था ना तुम सबने, अब वो तुम सबको चुन चुन कर मार रही है, और इस बार पानी से नहीं खून से प्यास बुझाएगी, खून से। क्या 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 क्या, क्या, क्या,
क्या कहतो बाबा, भला हम काहे को किसी को मारेंगे? बताओ ना क्या बात है, क्या बात है बाबा बताओ। फिर साधु सरपंच को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर ये दीनू और राजा ने अच्छा तो नहीं किया सीमा के साथ, लेकिन हमें अब जान तो बचानी ही होगी अपनी और गांव वालों की। उधर रात में फिर से जोर जोर से हैंडपंप चलने लगता है, लेकिन इस बार सरपंच और साधु दोनों हैंडपंप पर जाते हैं। उन्हें कोई नहीं दिखता और हैंडपंप खुद चल रहा होता है। अच्छा तो आज तुम दोनों आए हो मरने के लिए? आज मजा आ जाएगा, दो दो शिकार। चुड़ैल उन दोनों के पीछे खड़ी होती है, तभी साधु अपने हाथ से चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है। क्या बुड्ढे, तू क्या सोचता है इस पानी से मुझे कुछ होगा? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीमा, गांव वालों को माफ कर दो, अब से हम किसी को नहीं रोकेंगे पानी पीने से इस हैंड पंप से। कोई भेदभाव नहीं होगा अब से इस गांव में। लेकिन मेरी प्यास का क्या, मैं तड़प रही हूँ। सीमा, इस पवित्र गंगा जल ने तो हर किसी की प्यास बुझाई है, तेरी भी बुझाएगा, पी ले इसे और मुक्त हो जा। सबको माफ कर दे, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। चुड़ैल गंगा जल पीती है और उसे शांति मिलती है। सबको माफ करके वो मुक्त हो जाती है।